मंडी स्थित ब्यास नदी के घाट पर 3 नवंबर को पंचविशमी के अवसर पर ब्यास आरती का आयोजन किया जाएगा। प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सत सुंदरम ने बताया कि इस अवसर पर शाम को मंदिर में सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाएगा। प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सत सुंदरम ने बताया कि पंचविशमी के पवित्र मौके पर पेड़े प्रवाहित करना शुभ माना जाता है और इससे श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि ठीक एक साल पहले व्यास आरती के आयोजन की शुरुआत की गई थी और आज इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 3 नवंबर को व्यास आरती का आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर मंदिर में सत्यनारायण कथा का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। बड़े हर्ष का विषय है कि पूर्णमासी का जो है ये पर्व एकादश रुद्र मंदिर में ब्यास घाट के ऊपर जो है मनाया जाता है, जिसमें जो है व्यास आरती और कथा श्री सत्यनारायण जी की जो है हर पूर्णमासी को होती है। विशेष हर्ष का इसलिए है कि इस बार जो है इस वक्त जो आरती जो है पंचविषम के दिनों में जो है इनको जो कहते हैं पंचविषम की जो आरती है और जिसमें जो दीप प्रज्वलित करने की जो व्यवस्था है, एक परंपरा बहुत पुरानी परंपरा चली हुई है कि इन दिनों में जो दीपक जो तारते हैं, जो बेड़े जिनको कहते हैं, उनकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है और सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनते हैं, विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके सब जो है कार्य भगवान जो है संपूर्ण करते हैं। इस बार जो है ये आरती जो है 12वीं आरती होगी, एक वर्ष जो है पूरा हो जाएगा और आरती का जो समय है इस बार साय जो है 6 बजे जो होगा आरती का, ब्यास आरती का 4 बजे जो है कथा सत्यनारायण जी की प्रारंभ होगी। 3 नवंबर को जो है शुक्रवार के दिन जो है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।